हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिनांक 18/12/2021 रैली में उमड़ी भारी भीड़ कांग्रेस के विवाद का संदेश दे रही है। दीप्ति किरण माहेश्वरी। राजसमंद के बस स्टैंड चौक में जन आक्रोश रैली की सभा को संबोधित करते हुए विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि रैली को मिला अपार समर्थन और यहां भारी जन समूह की उपस्थिति राजस्थान की कांग्रेस सरकार को विदाई का संदेश है। विगत 3 वर्षों से राजस्थान विकास के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ गया है। आज राजस्थान बेरोजगारी में पहले स्थान पर है, महिला अपराधों में प्रथम स्थान पर है। विधायक दीप्ति ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के समय वे प्रत्येक दिन चिकित्सालय में जाती थी। चुनाव में लाभ के लिए सरकार ने यहां पर 19 लगाने की घोषणा की थी, किंतु जब यहां की जनता को डॉक्टरों की जरूरत थी, इनमें से एक भी नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणा की थी, किंतु सत्ता में आने के बाद जनता को केवल धोखा मिला। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कर्नाटक के एक विधायक द्वारा दुष्कर्म पर महिलाओं के विरोध की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया और कहा कि कांग्रेसी नेताओं को ऐसी टिप्पणियों पर शर्म भी नहीं आती है। दुष्कर्म से आनंद लेने की बात करने वाले पार्टी को राजस्थान की महिलाएं चुनाव में सबक सिखाएंगी। 2023 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के मुट्ठी भर विधायक भी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए हिंदू धर्म पर उल्टी सीधी टिप्पणियां करते रहते हैं। कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर हिंदू धर्म का अपमान करने वाले जब चुनाव आते हैं तो हिंदू हिंदू करने लगते हैं। हिंदू धर्म में महिलाओं को पूजा जाता है। जिस स्थान पर ये रैली हो रही है वो भी एक माता जी का स्थान है। महिलाओं का अपमान करने वाले हिंदू धर्म के बारे में बात करें, ये पाखंड है। राजस्थान की महिलाओं ने राजस्थान के गरीबों, राजस्थान के बेरोजगार भाइयों ने राजस्थान को कांग्रेस से मुक्त करवाने का संकल्प ले लिया है। राजसमंद के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 2023 में भाजपा विजय। जागरूक टीवी की राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।